नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार की राजनीति में ये आने वाला सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण है, वो इसलिए क्योंकि राजद की ओर से एक बड़ी प्लानिंग के तहत मीटिंग की जाएगी और इस मीटिंग का समय कोई भी वक्त हो सकता है, कोई भी दिन हो सकता है, वो इसलिए कि इस मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ इस बात का निर्णय लिया जाएगा कि नीतीश कुमार को महागठबंधन में लाना है या नहीं, और अगर लाना है तो कैसे लाना है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि राजद के तमाम वरिष्ठ नेता इस मीटिंग में शामिल होंगे। इसके अलावा अगर हम जदयू की बात करें तो जदयू के राज्य कार्यकारिणी की बैठक भी इसी आने वाले हफ्ते में होने वाली है और उसमें भी कुछ बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा क्या कुछ खबर है आपको बताते हैं। आपको बता दें कि बिहार के सप्ताह के लिए ये सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि इस सप्ताह में राजद एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाली है। इस बैठक में सिर्फ एक ही एजेंडा होगा कि नीतीश कुमार समेत जदयू को महागठबंधन में लाना है या नहीं। इस बाबत पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बयान भी दिया है कि बहुत जल्द इस मसले को लेकर राजद के बड़े नेता आपस में मिलकर बातचीत करेंगे। इस बैठक में राजद के वो नेता शामिल होंगे जो दल के नीति निर्धारक हैं। बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह में किसी भी दिन राजद के बड़े नेताओं की बैठक हो सकती है। नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने को लेकर राजद के नेताओं की तरफ से कोई विरोध नहीं कर रहा है। प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी बताते हैं कि इस मसले पर फैसला लेने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव अधिकृत है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने यदि बयान दिया है तो इस पर तो राजद के बड़े नेता हैं, वो मिलकर फैसला लेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय लालू यादव को ही लेना है। इधर पिछले 20 दिनों से लालू यादव ने नीतीश कुमार या फिर सरकार के खिलाफ कोई बात सोशल मीडिया पर नहीं की है, तो बात ये आ रही है कि लालू यादव नीतीश कुमार के प्रति नर्म हैं और वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार में सरकार बने। उधर जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने इस बात का विरोध करते हुए साफ कहा कि लोग रात में सपना देखते हैं, लेकिन राबड़ी देवी दिन में ही सपना देखने लगी है। राबड़ी देवी और राजद के लोग सत्ता पाने के लिए इतने ललायत हैं कि कुछ भी बयान दे देते हैं, जबकि दूर दूर तक इसकी कोई संभावना नहीं दिखती है। यह असंभव के साथ साथ नामुमकिन भी है। जदयू एनडीए का हिस्सा है और एनडीए का हिस्सा ही रहेगा। जो मंसूबा पाल रहे हैं कि जदयू राजद के साथ गठबंधन करेगा, तो ये उनकी गलत फहमी है। वहीं राजनीति के जानकार का कहना है कि वर्तमान में एनडीए की सरकार काफी मार्जिन पर चल रही है। सरकार बनाने के लिए 122 सीटें चाहिए, एनडीए के पास मात्र 125 सीटें हैं। ऐसे में विपक्ष अवसर के फराक में रहेगा कि पक्ष कमजोर हो तो वो हावी हो जाए। नीतीश कुमार आंकड़ों में कमजोर हैं तो विपक्ष उन्हें अक्सर एहसास कराता रहेगा कि उन पर भाजपा हावी है। इस बात की हवा तब मिली जब अरुणाचल प्रदेश की घटना हो गई। 2015 में राजद और जदयू ने मिलकर सरकार बनाई थी, दोनों साथ आ सकते हैं, ऐसी संभावना बन सकती है, इससे इनकार कतई नहीं किया जा सकता। तो इन तमाम बातों से ये साफ पता चलता है कि बिहार की राजनीति में आने वाला सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण होगा, वो इसलिए क्योंकि एक तरफ राजद कुछ बड़ा निर्णय ले सकती है, तो वहीं दूसरी ओर जदयू की ओर से भी राज्य कार्यकारिणी की बैठक की जा रही है और उसमें भी कई महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा की जाएगी। ऐसे में अगर हम राजद की बात करें तो नीतीश कुमार को लेकर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि इस बात की चर्चा खुद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने की है कि हम एक बैठक करेंगे और उसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे और इसको लेकर नीतीश कुमार और जदयू को कैसे महागठबंधन में शामिल करना है या है भी या नहीं, इन तमाम बातों पर उस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। हालांकि पार्टी के तमाम नेताओं ने साफ कह दिया है कि इस बारे में उन्हें कुछ नहीं मालूम, सिर्फ और सिर्फ जो आखिरी निर्णय होगा वो आलाकमान यानी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही लेंगे। फिलहाल होगा क्या ये तो आने वाली बैठक में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।